वेलकम टू हैमलेट असेंबली मोड। मैं ललिता मनोज। आज हम फ्लेवर आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज हम कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं। 1 कप + 1/4 कप मैंने दूध लिया है, ये फुल फैट क्रीम वाला दूध। हमें एक बूंद भी पानी नहीं डालना है। पानी डालने से आइसक्रीम में क्रिस्टल्स आते हैं, तो बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। 1 कप व्हिप क्रीम लेना है, आप कोई भी कंपनी का व्हिप क्रीम ले सकते हो। 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप मिल्क मेड, 1 टेबल स्पून चीनी लिए मैंने, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। दूध के अंदर हम मिल्क पाउडर, चीनी, कॉर्नफ्लोर इसे डालकर अच्छे से हिला देंगे। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे। मिल्क में डालेंगे, इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम इसे गैस पर रखकर 2 उबल आने तक हमें इसे उबालना है। चलिए अब इसे गैस पर रख देते हैं। हम गैस ऑन कर लेते हैं और इसे अच्छे से हिलाते हुए हमें पकाना है। हमें 2 उबल आने तक इसे हमें पकाना है और अच्छे से हिलाते हुए पकाना है, वरना दूध नीचे से चिपक जाएगा। हमारा दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये एकदम ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर आने तक हमें इसे ठंडा करना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। हम व्हिप क्रीम को बीट करेंगे। इसे सॉफ्ट पीक आने तक हमें इसे व्हिप करना है। एकदम घट भी नहीं चाहिए और लूज भी नहीं चाहिए। क्रीम हो गया है, एकदम सॉफ्ट पिक चाहिए हमें इस तरह से। अब हम इसमें जो हम दूध में मिल्क मेड और सब डालकर बनाया था वो ठंडा हो गया है, इसको इस व्हिप क्रीम में मिक्स कर देते हैं। अब हम इस सारी सामग्री को अच्छे से बीटर से एक बार अच्छे से बीट कर लेते हैं, ताकि क्रीम और जो हमारा मिल्क का मिक्सचर है सारा एक साथ मिक्स हो जाए। हमें सिर्फ 1-2 बार ही इसे मिक्स करना है, जब तक कि हमारा क्रीम और दूध का मिक्सचर मिक्स हो जाए। हमें ज्यादा इसे बीट नहीं करना है। क्रीम और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है, हमारा एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया है और इसके अंदर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। आपकी आइसक्रीम एकदम रेडीमेड जैसी स्मूथ और टेस्टी बनेगी। हमारा बेसिक जो आइसक्रीम का बेस है वो बनके रेडी है। अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं। मैं आधी क्वांटिटी में फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। 1 लीटर आइसक्रीम हमारी बन गई है इतने मटेरियल से। गोवा आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 लीटर आइसक्रीम का बेस लिया है। इसमें लगेगा पिंक कलर, रोज पिंक कलर, और गोवा का जो एसेंस आता है हमें वो लेना है। अगर आपके पास एसेंस नहीं है और क्रश है तो आप गोवा का क्रश भी ले सकते हो, और एसेंस है तो एसेंस ले सकते हो। अगर आप दोनों एसेंस और क्रश दोनों नहीं है आपके पास तो गोवा भी थोड़ा ज्यादा डाल सकते हो, इसे भी आपका फ्लेवर आ जाएगा। और हमें 1 टीस्पून जितनी शुगर लगेगी। हमें 1/2 लीटर बेस के लिए 1/2 जाम लगेगा। हमें जाम के अंदर जो भी बीज है
उसे स्कूप कर लेना है। जाम के अंदर हमें बीज नहीं चाहिए, इसलिए बीज को हमें स्कूप कर लेना है, निकाल लेने हैं। आइसक्रीम में बीज अच्छे नहीं लगेंगे, इसके लिए हमें इसके जो बीज है वो निकाल दिया है। अब हम इसका स्किन निकाल लेते हैं। हमने जाम के बीज और इसकी स्किन को निकाल लिया है, अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। जाम को मैंने कद्दूकस कर लिया है, अब हम इसे एक पैन में डालेंगे और इसमें 1 टीस्पून जितनी शक्कर डालेंगे और सिर्फ इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें गैस पर रखकर इसे हिलाना है ताकि शक्कर इसमें मिक्स हो जाए और जो इसका एक्स्ट्रा पानी है जाम का वो निकल जाए। हमें ज्यादा देर इसे पकाना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है। चलिए इसे गैस पर रख देते हैं। इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए हिलाना है, ज्यादा देर पकाना नहीं है। बस अब गैस बंद करके इसे एकदम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने आधा लीटर जो आइसक्रीम का बेस लिया था उसमें जो गुआवा है इसे मैंने सेक लिया था, ये रेडी है। अब इसे हम आइसक्रीम के बेस में डाल देते हैं। अब हम इसमें हल्का सा पिंक कलर डाल देते हैं। अगर आपके पास क्रश है तो आप क्रश डाल दीजिए, वरना आप एसेंस भी डाल सकते हो। अगर दोनों नहीं है तो भी आप रियल गोवा डाल रहे हो तो इसका टेस्ट अच्छा ही आएगा। मेरे पास क्रश है तो मैं इसका क्रश डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून जितना हम क्रश लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा आइसक्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है और इसका कलर भी एकदम हल्का पिंक कलर, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसे सेट होने के लिए डब्बे में डाल देते हैं। हमें 8-8 कंटेनर में डालना है। अब हम इसे 6 से 7 घंटों के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देते हैं। 5 से 6 घंटे हो गए हैं, देखते हैं हमारे गोवा आइसक्रीम बनी या नहीं बनी। हमारा आइसक्रीम सेट होके रेडी है। चलिए अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। हमारी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी गोवा आइसक्रीम बन के रेडी है। आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप इसे सर्व करते समय इसमें मैंने 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची और 1/4 टीस्पून नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके अगर आप इस पे डाल के खाएंगे तो ये और भी और टेस्टी लग जाएगी। जिस तरह हम जाम कट करके उसमें नमक मिर्ची डाल के खाते हैं, उसी तरह से आप आइसक्रीम पे भी डाल के खाएंगे तो उसका आइसक्रीम का टेस्ट और भी उभर के आएगा। आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।